हाँ जी अभी आया है इसलिए आधार बन सकता है याद के लिए इसलिए आधार बन सकता है याद के लिए याद के लिए इंद्रिया आधार बन सकता है याद लेकिन बाकी आप तो इंद्रियों के अनुभूति की अवस्था से पर किसी देना बाप को तो तुरिया बता दिया ना प्रजापिता के लिए तो बोल दिया तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी बिंदी में इंद्रियां होती हैं क्या होती हैं नहीं और जो पूछे सो विस्तार से बताएं रूहानी हॉस्पिटल रूहानी बाप ही खोलेंगे या जिस्मानी धर्मगुरु खोलेंगे जिस्मानी धर्मगुरुओं में सबसे बड़ा गुरु कौन है अरे जिस्मानी धर्मगुरु जितने भी हुए उनमें बड़े से बड़ा धर्मगुरु कौन जो सबसे बड़ा धर्मगुरु है उसने जिस्मानी हॉस्पिटल खोले या रूहानी हॉस्पिटल खोले जिनमें रूहानी बाप का ज्ञान दिया जाता हो जिस्मानी हॉस्पिटल खोले और उनके फॉलोअर्स ने तो हद ही कर दी उन्होंने क्या किया है उन्होंने तो ग्लोबल हॉस्पिटल खोल के बैठ गए बाबा ब्रह्मा ने तो कभी जिस्मानी हॉस्पिटल इस रूप में नहीं खुलवाए बाबा के रहते कभी खुले क्या नहीं कि पत्तों पत्तों को पानी देने से झाड़ सरसब्ज नहीं होता है जैसे क्रिश्चियंस या और धर्म वाले भी हॉस्पिटल खोलेंगे धर्मशालाएं बनावेंगे इससे दुनिया का कल्याण नहीं होता है दुनिया का कल्याण कैसे होगा जब बीज को पानी दिया जाए बीज क्या है बीज माने आत्मा आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है रूह का ज्ञान ही नहीं है क्योंकि रूहानी बाप को ही नहीं जानते रूहानी बाप को जाने तो रूह के अनेक जन्मों को भी जाने ना अपन को जानते हैं ना अपने बाप को जानते हैं तो दुनिया वालों ने जो यत्न किए वो ही यत्न करते रहते हैं हॉस्पिटल खुलते गए डॉक्टरों की संख्या बढ़ती गई और दवाइयों की संख्या भी बढ़ती गई और उपचार करने वालों की संख्या भी बढ़ती गई और मरीजों की संख्या भी बढ़ती गई तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ ये तो और ही नुकसान हो गया
क्योंकि जिस्मानी हॉस्पिटल खोल के जिस्म की सुरक्षा का प्रयत्न तो किया, लेकिन आत्मा की सुरक्षा नहीं हो सकी, आत्मा एकाग्र नहीं हुई और ही ज्यादा भटकती गई। तो रूहानी बाप ही आकर के इस संसार का कल्याण करते हैं। और मैंने लक्ष्मी है ना भी, और उस नाभि से मिली हुई है 16,108 नसें नाड़ियां। उनमें काले खून वाली भी है रुद्रमाला और गोरे खून वाली भी है विजयमाला। दोनों प्रकार की नसें नाड़ियों का मेल कहाँ होता है? विजयमाला में हो जाता है। है लेफ्ट राइट की बात नहीं है, शरीर में हृदय से शुद्ध होकर के नसों में शुद्ध खून जाता है, वो गोरा खून है, और शरीर में जाते जाते वो अशुद्ध हो जाता है, फिर काला खून बन करके फिर हृदय में आता है, वो काला खून है। हाँ जी, चौदह कला संपन्न में तेन स्वर्ग कहते हैं क्यों वाला, चौदह कला संपन्न को तेन स्वर्ग कहते हैं तेन स्वर्ग, क्योंकि दो कलाएं कम हो गई ना, इसलिए सैमी कहते हैं, संपूर्ण नहीं कहेंगे, देवता नहीं कहेंगे, देवताएं उनको कहा जाता है जो पूरे 16 कला संपूर्ण हो, जो कम कलाएं होते हैं वो तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। सीताराम बनिवार का नहीं है, सीताराम बनिवार का नहीं है, सीताराम वाली या जो आत्माएं हैं वो वास्तव में उनको कहा जाता है अव्वल नंबर सीता अव्वल नंबर राम, जो फेलियर की स्टेज में आती है। कौन है फेलियर की स्टेज में आने वाली? जो इसी जन्म में परमपिता परमात्मा से अपना वर्षा ले लेती है वो फेलियर हैं, इसी जन्म में परमपिता परमात्मा से पूरी पढ़ाई पढ़ लेती हैं वो फेलियर हैं, या जो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ती है इस जन्म में बाप से वर्षा नहीं ले पाती है पूरा, देवताओं से वर्षा लेती है, या तो चंद्रवंशियों से वर्षा लेती है, उनको कहेंगे पास या नापास, नापास है। चंद्रवंश नाम किसके आधार पर पड़ा, कहां से आया चंद्रवंश? अरे किसी राजा के नाम से परंपरा चलती है, तो चंद्रवंश का मूल कौन है? अरे चंद्रवंश का मूल चंद्रमा, सूर्यवंश का मूल सूर्य, तो चंद्रमा किसका पार्ट है? है शरीर में आत्मा है ना, तो परमात्मा आने के बाद तो ज्ञान लेने वाले आत्माएं होते हैं, तो इस शरीर के द्वारा ये मतलब ज्यादा आत्माएं ज्ञान में है, तो
ज्ञान में स्त्री चोले ही ज्यादा है तो ऐसे तो पुरुष कहाँ है ज्ञान में स्त्री चोले ज्यादा है, और जो स्त्री चोले हैं वो पुरुष पुरुष स्वभाव संस्कार के नहीं है, है? फिर ब्रह्म कुमारी में स्त्री चोले ज्यादा है, वो है ही चंद्र कुमारी, दुनिया में अभी तुम कुछ नहीं बोलोगे जब तक भट्टी नहीं करोगे। बाबा हम बच्चे रामदास के साकार में शिव को याद करते हैं, तो रामदास को शिव बाबा को कैसे याद करते? उनको तो बता दिया ना, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी, औरों के लिए ये बात लागू नहीं होती। औरों के लिए बाबा कहेंगे तो साकार और निराकार का मेल ही बाबा है। और अपनी भ्रकुटी के मध्य में आत्मा को याद करना सहज होता है, या दूसरे की भ्रकुटी के मध्य में आत्मा को याद करना सहज होता है? तो जो राम वाली आत्मा है, प्रजापिता की आत्मा है, उसके लिए ये प्लस पॉइंट है या माइनस है? प्लस पॉइंट है, उसको तो और भी सहज है। और ब्रह्मा बाबा की भी अभी पढ़ाई चालू है ना, परंतु बीके ये भी नहीं, ब्रह्मा बाबा की ही पढ़ाई अभी चालू है, परंतु उनके पूछते हैं कि अगर पढ़ाई नहीं पूरी की तो पद कैसे डिक्लेयर हुआ है? उनका पद कैसे डिक्लेयर हुआ? वो तो गीता में, गीता ज्ञान अमृत की बात छोड़ दो, जब गीता सुनाई जा रही थी उसी समय से डिक्लेयर कर दिया गया क्या? हाँ, कि ये सत्युग में प्रिंस बनेंगे, वो पहले पत्ते का परिचय दे दिया। किस आधार से दिया बाबा? किस आधार से दिया? अरे झाड़ का ज्ञान देंगे तो बीज के द्वारा ही देंगे ना, यज्ञ के आदि में शिव बाप ने किसको एडॉप्ट किया पहले पहले? अरे आज तो मुरली में आया, भूल गए, अभी अभी तो सुना, प्रजापिता को एडॉप्ट किया और प्रजापिता बीज हो गया सृष्टि का। पहले बाप होता है या पहले माँ होती है? पहले बाप होता है, तो जो बाप हो गया उसके लिए बोला हम बीज प्रदापिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूँ, और पिता बीज बोता किस में है? धरणी में, माता में, वसुंधरा में। बीज तो बोया लेकिन उस बीज को जो जगत माता में बोया, उस जगत में भारत भूमि श्रेष्ठ है या सारे जगत के सारे धर्मखंड श्रेष्ठ हैं? तो जो भारत माता है उसने समझ लिया, धारण कर लिया, या दूसरे धर्मखंडों ने धारण किया? जगत माता ने सुना तो सुनाया तो गया जगत माता को, लेकिन धारण नहीं किया। जिसने धारण किया
वो भारत माता ने जिसको सुनाया वो कृष्ण बच्चा हो गया। यहां जिसकी सुनाने के आधार पर शूटिंग हुई वो सत्ययुग में जाकर के बच्चा बन जाता है प्रैक्टिकल में। अगर यहां शूटिंग न हुई होती तो वहां सत्ययुग में बच्चा नहीं बनता। जगदम्बा ने पैदा नहीं किया कृष्ण को। कृष्ण को कौन पैदा करता है? हैं? भारत माता पैदा करती है। तो ये मूल ज्ञान तो आते ही दे देते हैं, बाकी ये है कि बच्चे जब छोटे होते हैं, बच्चा बुद्धि होते हैं, तो माँ को पहचानते हैं या बाप को पहचानते हैं? माँ को पहचानते हैं। कृष्ण बच्चे ने भी माँ को पहचान लिया। माताएं दो होती हैं, छोटी अम्मा और दादी अम्मा। दोनों माताओं को कृष्ण बच्चे ने पहचाना, दोनों की डायरेक्शन पर चला। कब? यज्ञ के आदि में। तो उन माताओं के द्वारा, उन भक्तियों के द्वारा जिस दुनिया की स्थापना हुई वो दुनिया नई दुनिया का मॉडल थी या प्रैक्टिकल थी? कराची में जो स्थापना हुई, जहां एक ही बाप को देखते थे और किसी को देखते ही नहीं थे, तो वहां स्वर्ग की स्थापना हुई मॉडल के रूप में। इसलिए आज भी यादगार में, भक्ति मार्ग में, अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर बना हुआ है और वहां स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है। वो मॉडल है भक्ति मार्ग का और यहां चैतन्य में मॉडल तैयार हुआ। और बाबा फिर आगे में जो शूटिंग हुई उसके हिसाब से उनका पद डिक्लेयर हुआ कि वो सत्ययुग में प्रिंस बनेंगे। तो वो मॉडल था और जो अब उनका पुरुषार्थ चल रहा है ये प्रैक्टिकल। अभी भी तो मॉडल ही है, अभी कहां स्वर्ग बन गया। जब स्वर्ग बनेगा तो फर्स्ट प्रिंस भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो प्रैक्टिकल के लिए अभी उनका पुरुषार्थ चल रहा है। अभी भी चल रहा है प्रवेश करके, जो प्रैक्टिकल में वो जन्म लेंगे उसके लिए अब उनका पुरुषार्थ अभी भी चल रहा है। जीके वाले प्रश्न करते हैं कि आत्मा मुरली में आए, किसी की आत्मा है, किसी को बंधन में लेंगे, ब्रह्मा को फिर पाठ बुलाना है, तो इसी तरह राम की आत्मा धर्मपिता के रूप में, शंकर के रूप में, मार्गदा में बदन आए करके, तो इस प्रश्न का जिस तरह कृष्ण वाली आत्मा के लिए आया, इस तरह राम बाप के लिए नहीं आता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि बाबा ने बोला है देवताओं को इशारा दिया जाता है। देवताएं कैसे समझ लेते हैं? जो देव आत्माएं होती हैं वो इशारे से ही ज्ञान को समझती हैं, और जो मनुष्य होते हैं वो कहने से समझते हैं, और जो मनुष्य हैं ही नहीं, राक्षस हैं, गधा है, वो कहने से भी नहीं समझते। बात क्लियर हो जाती है? इशारे से जो समझ रहे हैं एडवांस ज्ञान को, उनको देवता कहा गया। यही तो ज्ञान का, ज्ञान की पहचान है, ज्ञानी की पहचान है कि बाप को किसने जाना। बाप की पहचान बड़े बच्चों को पहले होती है
या बाद वाले बच्चों को पहले होती है? है? जो बड़े सूर्यवंशी बच्चे हैं वो ही बाप को पहचानते जा रहे हैं, जो और वंशों के बाद में पैदा होने वाले हैं वो नहीं पहचानेंगे। और पत्रिका में कौन सी पत्रिका? साप्ताहिक अखबार में, जो सच्ची बात है वो तो कहीं भी बोल दो, लिख दो, छपा दो, झूठी बात क्यों छपानी, क्यों लिखनी, क्यों बतानी? हाँ हाँ, नौ प्रश्नों में सच्चाई है या झूठ है? सच्चाई है तो पूछने की बात ही नहीं। नेपाली में थोड़ा उल्टा कर लेते पता। अच्छा, नेपाली में छपा दो, अनुवाद करके छपा दो। बाबा, इन प्रश्नों में ऑल इंडिया के जो प्रश्न हैं 8 पॉइंट्स, उन 8 पॉइंट्स में शंकर और विष्णु के लिए है कि उनकी पूजन होती है, मूर्तियां हैं, तो मतलब उनका भी अस्तित्व है, परंतु ब्रह्मा के लिए पॉइंट नहीं निकाला गया कि उनकी क्यों उतनी वैल्यू नहीं है बाहर की दुनिया में। 8 प्रश्नों में पहले पॉजिटिव बताना चाहिए कि पहले नेगेटिव बताना चाहिए? क्या करना चाहिए? पॉजिटिव बात पहले बता दो, बाकी जो नेगेटिव है कि ब्रह्मा की पूजा भी नहीं होती है, ब्रह्मा की मूर्तियां भी नहीं बनती हैं भक्ति मार्ग में, ब्रह्मा के मंदिर भी नहीं बनते हैं, इसका भी कोई कारण होगा या नहीं होगा? कारण जरूर होगा। कारण यही है कि जो ब्रह्मावत या ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहते हैं, वो कहलाने वालों ने ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी, इसलिए ब्रह्मा का नाम गुम हो गया, मूर्ति भी नहीं मिलती है, मंदिर भी नहीं बनते हैं, और याद भी कोई नहीं करता है। शिव की 3 मूर्तियों के बीच में ब्रह्मा, बीच में नहीं, पहला नंबर मूर्ति कौन सी गाई जाती है? ब्रह्मा। लेकिन न पूजा होती है, न मूर्ति बनती है, न मंदिर बनते हैं। अजमेर, अजमेर में जो ब्राह्मण हैं वो ही उसकी पूजा करते हैं। जैसे अभी माउंट आबू में जो ब्राह्मण हैं वो ही ब्रह्मा को भगवान के रूप में पूजते हैं। सारी दुनिया भगवान के रूप में नहीं पूजती, इसलिए उसका यादगार मंदिर में बना हुआ है। और कहाँ बना हुआ है? उसका यादगार भी वहां बनता है जहां मुसलमानों का बड़ा मेला लगता है। इसे साबित होता है कि प्रैक्टिकल में भी जहां शूटिंग हुई होगी माउंट आबू में, वहां सब जाने वाली यात्रा, तीर्थ यात्रा करने वाली कौन सी आत्माएं होंगी? सब मुसलमान जाते हैं वहां। नेपाल में आपने पाला नहीं करते, नाम ही रह गया है, पाला में फैक्ट्रियों के साथ हो रहा है। नई दुनिया की पालना करने वालों में नाम होने के कारण उसका नाम पड़ा नई पाल। तो पालना करने वालों में अच्छी जो पालना करते हैं वो प्रजा है या राजा है? कौन है? राजा ही अच्छी पालना कर सकता है। प्रजा में तो सब तरह का भंगार होता है, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य मुरली में बेकायदे राज्य बताया, तो आपने देखा प्रैक्टिकल में
कि सारी दुनिया में अभी प्रजातंत्र राज्य चल रहा है, लेकिन नेपाल ही एक ऐसा देश है जहां प्रजातंत्र पहले पहले फेल हो गया। फेल हुआ कि नहीं हुआ? पहले पहले फेल हो गया। और ज्यादातर जनरेशन नेपाल की ये चाहती है कि यहां राजा का फिर से राज्य हो, राजतंत्र चले। ये तो हद का नेपाल है। ये बात फिर बेहद के नेपाल से भी शुरू होगी। आप लोग भाग्यशाली हैं कि हद के नेपाल में भी बैठे हुए हैं और बेहद के नेपाल में भी बैठे हुए हैं। नेपाल में राजतंत्र समाप्त कर दिया ना? राजतंत्र सबसे बाद में समाप्त होता है या और देशों के मुकाबले पहले समाप्त होता है? बताओ। सबसे बाद में समाप्त हुआ, लेकिन यहां ज्यादा समय प्रजातंत्र राज्य नहीं चल सकता। क्या? क्यों? क्योंकि नेपाल की प्रजा दुनिया की प्रजा के मुकाबले ज्यादा भोली और ज्यादा सच्ची है। इसका प्रूफ ये है कि इंडिया सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी देश माना जाता है, और इंडिया में अब तक भी जो प्रहरी होते हैं वो कहां से चुने जा रहे हैं? नेपाल के प्रहरी चुने जाते हैं। इससे साबित होता है ये गोरखा बटालियन जो है ना, गोरखा का मतलब क्या है? गौ माने गौए, रखा माने रक्षा, गौओं की रक्षा करने वाली बटालियन है। दुनिया में और जो बटालियन से हैं वो गौ हत्या करने वाली है। और नेपाल की बटालियन गौ रक्षा करने वाली है। ये भगवान का काम करने वाली है। भगवान ने क्या काम किया इस दुनिया में आकर? गौओं की रक्षा की, गौओं की पालना की। ये गौओं की पालना के आधार पर गोपाल कन्हैया कहा जाता है। दुनिया वालों ने तो कृष्ण को समझ लिया है। किसकी बात है? शिव बाबा की बात। बाबा अगर आज के नेपाल में तो नेपाल का मूल कारण है संविधान। नेपाल का जो मूल कारण संविधान है, अभी मतलब नेपाल कोई भी राजनीतिक पार्टी उसको बना नहीं पा रहे। और संविधान कानून का नाम है, कानून का ग्रंथ। असली कानून भगवान बनाता है या मनुष्य आत्मा ही बनाती है? भगवान ने तो असली कानून ब्रह्मा के मुख से दे दिया। ये गीता क्या है? है भगवान का बनाया हुआ संविधान है। अब गीता की व्याख्या कौन करे? वो गीता ज्ञानामृत कैसे बने? जो मुरली ने बोला अभी, गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। गीता तो है, गीता ज्ञान तो है, लेकिन ब्रह्मा के मुख से बोला ना। कब की बोली हुई बात है? जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तब बोला कि गीता ज्ञानामृत भी नहीं कहेंगे। अमृत कब बनता है? जब मंथन करते हैं तो अमृत बनता है। तो ये मंथन का काम एडवांस पार्टी से शुरू होता है। तब ज्ञान अमृत हमारे सामने आया।
उस अमृत को पी करके देवताएं अमर बनते हैं, अमरपुरी में जाते हैं। अभी के सारे गायन हैं। अभी हम कौन सी यात्रा कर रहे हैं है? और दुनिया में सबसे ऊंचे से ऊंची ऊंचाई पर स्थित तो कौन सा मंदिर है? अरे अमरनाथ। अभी हम अमरनाथ की ऊंचे से ऊंची यात्रा कर रहे हैं। कितनी भी बर्फ जाम हो, पहाड़ों पर क्या होता है, बर्फ जाम हो जाती है, हिमालय पहाड़ का अंश है अमरनाथ। हिमालय पहाड़ का पार्ट कौन धारण करता है? ब्रह्मा, जिसकी बुद्धि में बर्फ जमी हुई है, पानी बहता ही नहीं है, ज्ञान जल बहता ही नहीं है, जाम हुआ पड़ा है। अब यात्रा करने वाले यात्रा कर रहे हैं अमरनाथ की, एडवांस पार्टी वाले। तो जो यात्रा करने वाले हैं उनका काम क्या है? है जाम को जाम ही रहने देना या हाँ उसको ज्ञान जल को बहाना। इसलिए अमरनाथ के पर्वत पर दो प्रकार के पंछी दिखाए गए हैं, एक तोते और एक कबूतर। कौन टियों टियों करके चारों ओर ज्ञान फैला देते हैं? कबूतर फैला देते हैं। अरे कबूतरों के तो गले में बांधा जाता है। पहले राजाएं होते थे, वो कबूतर पालते थे। एक राजाई से दूसरी राजाई में संदेश भेजने के लिए उन कबूतरों के गले में संदेश बांधते थे। वो संदेश ले जाके दूसरे राज्य में देकर आता था। ये शिव बाबा भी बड़ा संदेशी है, बड़ा संदेश भेजने वाला। तो ये कबूतरों के गले में संदेश बांधा हुआ है, बेसिक नॉलेज का माना गले पड़ गया है। ये देना नहीं चाहते दुनिया को ज्ञान, क्योंकि अंदर में ज्ञान है ही नहीं, खुद ही नहीं समझते। लेकिन एडवांस पार्टी, उनके नाम से कही गई शंकर पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसका जवाब उनके पास है ही नहीं। इसलिए मजबूरी में सेवा का नाम कर रहे हैं, संदेश दुनिया को दे रहे हैं। गले में उनके संदेश पड़ गया। क्या कहते ना, गले पड़ गई माने मजबूरी है, हमें देना ही पड़ेगा। वो देना नहीं चाहते। और जो तोते हैं वो मंदिर में थोड़े समय बैठते हैं और चारों तरफ दुनिया में टियों 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 करके ज्ञान की कंठी धारण कर लेते हैं। तो ये एडवांस पार्टी के कौन है? हैं कबूतर हैं या तोते हैं? तोते हैं। इन्होंने थोड़े समय बेसिक में नॉलेज ली है, थोड़े समय बैठे हैं, जिंदगी भर वहां बैठ के नहीं रह गए। जिंदगी भर बैठ के कौन रह जाते हैं? कबूतर। इन्होंने थोड़े समय वहां ज्ञान लिया, अब चारों तरफ दुनिया में ज्ञान फैलाए रहे। तो ज्ञान जल बहाना हमारा काम है। सुबह सुबह अपने आप को ब्रह्मा समझना, दिन में विष्णु को समझना, काम में संकल्प बनना, हाँ हाँ शिवो, हम ही शिव हैं। त्रिमूर्ति नहीं है, नहीं नहीं त्रिमूर्ति शिव हम ही हैं। शिवो हम है,
और शूटिंग हो रही है 2500 साल जो सेवो हम की शूटिंग हो रही है, वो रिहर्सल चलता है, वो क्या नाम प्रैक्टिकल में चलता है, सेवो हम का गायन चलता है भक्ति मार्ग में, उसकी शूटिंग कहाँ हो रही है? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में उसकी शूटिंग करने वाले बैठे हैं। और इस सौ महीना में बहुत जिला का आदमी बोलबम में आएगा। कहाँ? बोलबम में। बोलबम? बोलबम। अच्छा, वो कांवर लेकर के। हाँ, बस वो सुनहरी जल से पानी लाकर पशुपति में चढ़ाता है। कहाँ से पानी लाते हैं? सुंदरी, सुंदरबन, गंगा सागर का, गंगा सागर का पानी लाकर, सुंदरबन का पानी लाकर। नेपाल में ही एक सुंदरी जल जगह है, नेपाल में ही जगह है सुंदरी जल, वहाँ से लाते हैं। अच्छा, वो भी यादगार है सुंदरबन की। उस टाइम में बहुत इलाका आदमी आएगा इंडिया का भी। हाँ, उस टाइम में 8% 9% का ये पर्चा है ना। हाँ, तो वो भक्त लोग को दिने में कोई फायदा नहीं, और बेसिक लोग भी उधर को प्रोग्राम करेगा ना जगह जगह। पहले घर का सुधार या पर का सुधार? घर का सुधार। तो तुम कौन हो, आत्मा हो या शरीर हो? आत्मा। तो आत्मा जो है, आत्मा बनने वाले जो है, जिन्हें आत्मा का ज्ञान मिला हुआ है, उनका काम क्या है कि रूहानी बच्चों को पहले ज्ञान देना, रूहानी परिवार को पहले ज्ञान देना, या जिस्मानी दुनिया वालों को ज्ञान देना, वो ही करना। हाँ, आदमी बोल बम बो बम करने वाले बोल बम करते करते। हाँ हाँ, वो तो यहाँ भी गायब हो जाते हैं। हाँ, बोल बम, बोल बम का मतलब है शंकर जी को याद करते हैं, बम बम आदमी भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ भी तो ज्ञान लेते लेते बहुत से गायब हो जाते हैं ना। जब शिवरात्रि होगी, जिसका नाम है महाशिवरात्रि भक्ति मार्ग में, महाशिवरात्रि का मतलब ये है कि दुनिया वाले तो अज्ञान के अंधकार में है ही हैं, लेकिन भगवान आकर के जो ब्राह्मणों की दुनिया रचते हैं, उस ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक वाले भी सारे अज्ञान अंधकार की रात्रि में आ जाते हैं। आ जाते हैं, आ गए कि नहीं? आ गए, लेकिन वो महाशिवरात्रि नहीं हुई। महाशिवरात्रि तब होगी जब एडवांस में चलने वाले भी सब अज्ञान अंधकार की नींद में सो जाएंगे, महाकाली के बच्चे बन जाएंगे। महाकाली सबकी गर्दन काट देगी। सारी दुनिया अभी राक्षसों की है, दुख देने वाले, या देवताओं की है? एडवांस भी। अरे, ये पतितों की दुनिया है या पावन की दुनिया है? सारी दुनिया पतितों की है। वो असुर संहारिणी सब की जान ले लेती है। हाँ, तो सब अज्ञान अंधकार की नींद में आकर के भगवान बाप को भूल करके महाकाली की भुजाएं बन जाते हैं, और महाकाली की भुजाएं बन करके उसकी लज्जा को ढांक लेते हैं, उसकी कमजोरी को छुपा लेते हैं, क्योंकि भगवान को ही भूल गए। तब कही जाएगी महाशिवरात्रि। जो नंबर वार बचेंगे वो सिर्फ 8 ही बचेंगे, जिनके द्वारा नई दुनिया की राजधानी स्थापन होगी, तब शिवरात्रि प्रसिद्धि होगी। इसलिए शिव की अष्टमूर्तियां प्रसिद्ध हैं, जो 8 की माला सर के ऊपर धारण की हुई है।
अरे नेपाली जानने वालों के को पल्ले नहीं पड़ रहा है कुछ, किसी को कुछ पल्ले पड़ा हो तो बताओ। वो गुस्सा करते हैं, हाँ ठीक है, हाँ क्रोध करते हैं। दुनिया में भी बेसिक नॉलेज जब निकली और बेसिक नॉलेज का ज्ञान जैसे सर्वव्यापी का ज्ञान दुनिया में सुनाया, मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, वो दुनिया वालों को सुनाया, तो दुनिया वालों में कौन से धर्म के लोग हैं जो बहुत लाल पीले हो जाते हैं सुनते ही, और उनको सुनाने का हिम्मत भी नहीं पड़ती बहुत से ब्रह्मा कुमारों को सन्यासी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये सफेद कपड़े वाले सन्यासी हैं, गृहस्थी हैं कि सन्यासी, हाँ उन सन्यासियों को क्रोध तो आएगा, शूटिंग हो रही है। ट्रेन में मिल गया मेरे को, मेरी इजाजत है, तो हमने उसको ज्ञान से बातचीत करने लगे, हमने कहा पूछा कुछ किया, उसके बाद हम लोग ज्ञान बताया, तो वो तो कह रहा मैं सुनना नहीं चाहता, मैं सुनना नहीं चाहता, मैं थक गया, बस हो गया जाकर ले रहे। अरे हिम्मत वाले बच्चे हैं तो दे सकते हैं, हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा किया। राम वाली आत्मा नारायण बनने वाली है ना, और बाबा कहते हैं अपनी अपनी कथा कहानियाँ बैठ, अपनी अपनी कथा कहानियाँ बैठ बनाई है ना, तो राम वाली आत्मा ने रामायण बनाया, तो उनके शास्त्र को बाबा ने उपन्यास का क्यों टाइटल दिया, तो श्रेष्ठ आत्मा है ना। जो रामायण बनाया वो रामायण कौन से युग में प्रसिद्ध हुई, कलयुग में, कलयुग काला तमो प्रधान युग है या सतो प्रधान युग है, तमो प्रधान युग है, तमो प्रधान युग में जो शास्त्र तैयार किया राम वाली आत्मा ने, वो राम वाली आत्मा तमो प्रधान हो जाती है या सतो प्रधान होती है, तमो प्रधान होती है। बाबा, मचान घाट में ले जाते मचान घाट तक पाऊ घर तक, मचान घाट में जब रखते हैं वो घर तक पाऊ मचान तक जाकर शरीर जलाते हैं, मुगल में इसका आपने क्या बोला, शमशान घाट में जब ले जाते हैं स्नान होते मचान घाट तक पाऊ घर तक जब शमशान घाट में जाते हैं तो उस समय शमशानी वैराग आता है, कोई मरता है और उस मरे हुए शरीर को ले जा करके शमशान घाट में ले जाते हैं तो थोड़े समय के लिए सबको शमशानी वैराग आ जाता है, तो पांव जो है वो शहर के धंधे धोरी वाली दुनिया की तरफ कर देते हैं, उस दुनिया से वैराग आता है, ये दिखाया है। जैसे ही शहर से बाहर निकलते हैं पांव शहर की तरफ कर देते हैं और सर शमशान घाट की तरफ कर देते हैं, जहां शमशान घाट में शिव बाबा के मंदिर बने होते हैं। ये कब की यादगार है, जब सारी दुनिया की मौत होने वाली होती है,
सारी दुनिया मुर्दा बनने वाली होती है तो सबका मुंह किधर हो जाता है? परमधाम की तरफ हो जाता है, भगवान की तरफ हो जाता है, और दुनिया के धंधे धोरी की तरफ लात हो जाती है। इसकी यादगार है जो भक्ति मार्ग में मनाते हैं, कहते हैं राम नाम सत्य है और बाकी सब असत्य। चाहे नौ देवियां हो, चाहे राज करेजा खालसा वो खालसा माई हो, या कोई भी हो, वो सब झूठे हैं और एक राम ही सच्चा है। अंत समय में कहते हैं छुपा रुस्तम बाद में खुलता है। और पेड़ों में आत्मा कहाँ होती है? पेड़ों में आत्मा कहाँ होती है? ओहो, पेड़ों में बीज कहाँ होता है? हैं? जड़ में ही बीज होता है, ऊपर नहीं होता है। जब फल पक जाता है तो बीज आता है या नहीं आता है? बीज आता है। इसलिए कोई भी फसल हो, कोई भी फल हो, जब बोया जाता है और वो बड़ा हो जाता है तो उसका जो पहला बीज है, पहला फल जिसमें से बीज निकलता है, वो ही बोया जाता है। ये कहाँ की यादगार हुई है? संगम युग में ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसमें पहला फल निकलता है। उस फल में से फल जब पक जाता है तो पकने के बाद जो अंदर बीज है वो फल से कनेक्शन तोड़ लेता है या कनेक्शन जुटा रहता है? हैं? तोड़ लेता है। सबसे पहले वो कनेक्शन तोड़ता है झाड़ से, पहले फल का बीज। तो बेहद के मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वो पहले फल का बीज कौन है? जो पहले इस दुनिया से बुद्धि का कनेक्शन तोड़ लेता है। इस पुरानी दुनिया रूपी झाड़ से, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ से बुद्धि का कनेक्शन सबसे पहले तोड़ लेता है। वो कौन है? प्रजापिता राम वाली आत्मा। और है गुजरात आदि में ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं तो बाकी एकदम अटूट याद होती है, बाकी याद में प्रवेश करते हैं ना, इसीलिए बाप दादा कहा जाता है। बाप माने शिव बाप सिर्फ निराकार की याद रहती है। हाँ। क्योंकि साकार का तो उन्हें निश्चय ही नहीं है। निश्चय नहीं होता है तभी तो गुलजार दादी में जाके प्रवेश करते हैं। अगर साकार का निश्चय हो तो गुलजार दादी में क्यों जाएंगे? निराकार की याद में गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं। अब निराकार कहाँ जुड़ा हुआ है? साकार के साथ जुड़ा हुआ है। जिस साकार के साथ जुड़ा हुआ है वो साकार ही बाप है। इसलिए मुरली में बोला है कि तुम मुझे जितना याद करते हो तो समझो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ब्रह्मा बाबा के साथ ही है वो परमपिता परमात्मा। इसलिए बाप दादा कहा जाता है। जड़े माने आधार। पेड़ किसके ऊपर टिका होता है? पेड़ जो खड़ा है
आंधी बांधी आती है वो टिका रहता है किस आधार पर? हैं? जड़ों के आधार पर। तो जड़ें आधार हैं, आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त नहीं है। जड़ें जो हैं क्या हैं? आधार हैं वृक्ष की, लेकिन सारे वृक्ष का उद्धार नहीं कर सकती। उद्धार मूर्त फिर कौन है? उन जड़ों के नीचे भी कोई बीज है, वो बीज ही उद्धार मूर्त है। उत माने ऊपर, हर माने हरण करके ले जाने वाला, इसलिए झाड़ के चित्र में ऊपर कौन बैठा है? है? हाँ, वो ही पहला फल है मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का, वो बीज है। वो बीज है मनुष्य सृष्टि रूपी जो वृक्ष है पुराना झाड़, उससे अपना बुद्धि का कनेक्शन तोड़ लेता है। उसकी बुद्धि में ज्ञान के आधार पर पक्का पक्का बैठता है कि इन आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब सब कल्पना मात्र, सब नष्ट होने वाला है। आज दिखाई पड़ रहा है और कल कल नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जो नष्ट होने वाला है उसमें बुद्धि लगेगी, या जिसके साथ जिसके पास पहुंचने वाले हैं उसमें बुद्धि लगेगी, जहां पहुंचने वाले हैं वहां बुद्धि लगेगी। और क्या बात, किसी में प्रवेश कर किसी को दृष्टि दे सकता है? बात किसी में प्रवेश करके किसी को दृष्टि दे सकते हैं? हाँ, बोलते हैं मुरली में, कोई बच्चा किसी को समझाता है और समझने वाला तीखा है और समझाने वाला बुद्ध हुआ, सारी बातें नहीं समझा पाता लेकिन बुद्धू होते हुए भी हिम्मत तो कर रहा है। तो ऐसे हिम्मतवान में शिव बाप प्रवेश कर जाते हैं, बाप दादा प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके दृष्टि की पावर भी देते हैं, वाइब्रेशन की पावर भी देते हैं और वाचा की भी पावर देते हैं, माने खुद ही ज्ञान सुनाते हैं। तो कोई कोई बच्चों में अहंकार आ जाता है कि हमने उसको ज्ञान सुनाया, हम बड़े बलवान हैं, हम योगी हैं, हम ज्ञानी हैं, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे तो तमो प्रधान बन गए। क्या हम बच्चे अबे तमो प्रधान है कि सतो प्रधान है? तमो प्रधान है। तमो प्रधान की निशानी क्या होती है? हैं? हैं? तमो प्रधान की निशानी होती है कि उसे अपनी ही लगी रहती है, स्वार्थी होता है। जो जितना तमो प्रधान होगा वो उतना स्वार्थी होगा, माने अपनी रथ की जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के भोग के लिए ही बुद्धि चलती रहती है। सच्चा योगी है फिर भोगी है? क्या है? भोगी है। भले प्रयास करता है, घड़ी घड़ी याद करने का प्रयास करता है, फिर बुद्धि कहाँ चली जाती है? फिर वही भोग वासना में बुद्धि चली जाती, इस देहधारी को याद करने में, उस पदार्थ को याद करने में बुद्धि चली जाती है ना। तो तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? है? तमो प्रधान। देवताओं की बुद्धि कहाँ रहती है? आत्मा में ही रहती है। वो दृष्टि का सुख राधा कृष्ण भोगते हैं, चित्र में जैसे दिखाया गया है, तो भी उनकी आत्मिक दृष्टि रहती है या समूची देह के ऊपर दृष्टि जाती है? हैं? तो भी उनकी आत्मिक दृष्टि रहती है। तो वो सतो प्रधान है और हम तमो प्रधान।
तो तमो प्रधान आत्मा ज्ञान देती है या सतो प्रधान सेवा करती है? सेवा कौन करता है? है सतो प्रधान सेवा करता है। इसका और भी मिसाल है, किसी का किसी देहधारी से लगाव लग जाता है, ज्ञान में चलने वालों का लगाव लगता है कि नहीं? लग जाता है। तो जिससे लगाव लग जाएगा उसकी तरफ बार बार बुद्धि जाएगी या नहीं जाएगी? धीरे धीरे करते करते ऐसा अभ्यास पक्का हो जाता है कि शिव बाबा की याद करने से भी नहीं आती। और जब शिव बाबा की याद ही नहीं आती तो सेवा में मन लगेगा या नहीं लगेगा? सेवा में मन ही नहीं लगता, ऐसी हालत हो जाती है। ये देह का आकर्षण, देह का लगाव बिल्कुल नीचे गिरा देता है।